अगली खबर कानपुर से सामने आ रही है, जहां कार सवार दबंगों का कहर देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि लगभग डेढ़ दर्जन कार सवार दबंगों ने जमकर मारपीट और तोड़फोड़ की, साथ ही रविदास प्रतिमा को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। तभी मारपीट के दौरान दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घटना को अंजाम देने के दौरान कार सवार दबंग फायरिंग करते हुए फरार हो गए। ग्रामीणों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया है और मामले की जाँच कर दबंगों की तलाश में जुट गई है। मामला साण थाना क्षेत्र के पहेवा गाँव का बताया जा रहा है। तो कानपुर से ये मामला सामने आया है, जहां पर बताया जा रहा है कि दबंगों के हौसले बुलंद हैं। लगातार मारपीट के दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग और जमीन पर गिरा गिरा कर लोगों के साथ मारपीट की गई है। इस पूरे मामले में विवाद क्यों हुआ, कौन जिम्मेदार है, इस बारे में अभी तक पुख्ता तौर पर जानकारी नहीं मिल पाई है। तस्वीर आप देख पा रहे हैं किस तरह से भारी आतंक मचाया गया है यहाँ पर दबंगों के द्वारा। मारपीट के साथ ही साथ हंगामा, तोड़फोड़ और रविदास की मूर्ति को भी क्षतिग्रस्त किया गया है। अगली खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां हुक्का पार्लर में दो पक्षों में बवाल हो गया। बता दें कि दोनों पक्षों में चले लाठी डंडे, वहीं एक पक्ष का दूसरे पक्ष पर मारपीट करने का भी आरोप लगाया गया है। साथ ही गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त करने का आरोप है। बता दें कि हुक्का पार्लर कैंट रोड FI हॉस्पिटल के सामने था। मामला केसरबाग थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। और इसी खबर पर लखनऊ से स्टेट हेड प्रियम पाठक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जी प्रियम, जिस तरह से हुक्का पार्लर में मारपीट की तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या था पूरा मामला और इस पर क्या कार्रवाई हुई अभी तक? बिल्कुल, देखिए इस तरीके की तस्वीरें कई बार देखने को मिली हैं, लेकिन इससे पहले की जो तस्वीरें थी वो समिट बिल्डिंग की देखने को मिलती थी। लेकिन जो ये कल देर रात का जो ये वाक्या है, ये एक हुक्का पार्लर का बताया जा रहा है, जहां पर दो पक्ष थे, उनकी आपस में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और उसके बाद जो बात थी वो मारपीट तक पहुँच गई। तो इसको लेकर हालांकि मौके पर जो है पुलिस भी पहुंची, पुलिस ने वहां पर मामले को शांत कराया और उसके बाद दोनों को ले जाकर दोनों के पीड़ितों की तरफ से जो जानकारी है उसके मुताबिक जो है वो तहरीर ली है और इस पूरे मामले की जो है वो जिसमें छानबीन है वो कर रही है और उसमें देखा जा रहा है कि आखिर क्या वजह थी, क्यों इन दोनों पक्षों के बीच में मारपीट हुई है। जो दोनों लोग हैं उनमें इस बात को भी देखा जा रहा है कि क्या जिन पक्षों में लड़ाई हुई है क्या उसमें वजह शराब का नशा तो नहीं था, तो इन चीज़ों को भी देखा जा रहा है। इससे पहले भी कई इस तरीके के मामले जो हैं वो देखने को मिले हैं, जहां पर समिट बिल्डिंग के अंदर कई बार लोगों ने जो है वो शराब के नशे में इस तरीके से मारपीट करते हुए इनके जो विजुअल हैं जो वीडियोस हैं वो वायरल हुए हैं और ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। केसरबाग थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला जो है वो बताया जा रहा है। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस ने भी तुरंत वहां पर पहुंची, दोनों ही बच्चों को समझाया बुझाया और वहां पर मामले को शांत कराया है और इस मामले को लेकर आगे की जो कानूनी कार्रवाई है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में क्या अभी तक गिरफ्तारियां भी की गई हैं पुलिस के द्वारा? देखिए अभी तक गिरफ्तारी की कोई बात जो है वो नहीं सामने आई है। हालांकि पुलिस की तरफ से जरूर जो कार्रवाई है वो की जा रही है, जरूर अगर आगे कुछ ऐसी चीज़ें निकल के सामने आती हैं तो पुलिस की तरफ से इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी इस तरीके की कोई कार्रवाई की जो सूचना है वो नहीं मिली है, लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंची है। दोनों के खिलाफ कार्रवाई की बात जो है वो कही जा रही है, दोनों पक्षों के खिलाफ जो ये हुक्का पार्लर पे घटना हुई है उसको लेकर पुलिस ने मामले का जो है वो संज्ञान लिया है। जी बिल्कुल प्रियम, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।